नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। दीपावली से 11 दिन पहले करें यह एक महत्वपूर्ण टोटका, इसका आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। दीपावली से 11 दिन पहले, यानी दीपावली का दिन बीच में डाल लीजिए, उससे 11 दिन पहले यदि आप ये टोटका शुरू कर दें, यदि आप देरी से शुरू कर रहे हैं तो फिर जिस दिन से शुरू किया है दीपावली निकलने के बाद 11 दिन पूरे कर लीजिए, यानी दीपावली बीच में आनी चाहिए। तो आप ये टोटका यदि करते हैं तो आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आपके निवास पर नहीं रहेगी। यदि आप कहें कि परिवार के सदस्यों में नेगेटिव सोच समाप्त हो जाएगी, यदि आप कहें परिवार के सदस्य रोगी रहते हैं ठीक होने लगेंगे, यदि आप कहें आर्थिक तंगी है पैसा आने लगेगा, यदि आप कहें कर्ज है उतर जाएगा, यदि आप कहें हमारा अपना घर कब बनेगा इसको करने से जल्दी बनेगा, यदि आप कहें हमारी गाड़ी रोज खराब हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रोज खराब हो जाता है, नहीं होगा। तो क्या करना है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या करना है। 11 दिन पहले शुरू करना है और लगातार करते रहना। देखिए, यदि आप पारे की गोली आपके पास है तो उस पारे की गोली को आप अभिमंत्रित गोली आप लोगों ने मेरे से ली भी थी, उस पारे की गोली को 11 दिन पहले, यानी लगातार 11 दिन आपने उस पारे की गोली को दूध में थोड़ा सा पानी मिलाएं, यानी इतना सा दूध इतना पानी ले लें, कच्ची लस्सी बना लें, उसमें धोना है, धोकर लक्ष्मी माँ का ध्यान करना है और फिर प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे निवास पर आगमन कीजिए, हमारे निवास पर वास कीजिए, शुद्ध कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, हमारे सभी कष्ट दूर कीजिए, हमारे घर में धन का आगमन हो, हम किसी प्रकार से कष्ट में ना रहें, हम किसी प्रकार से कर्ज में ना रहें, हम आर्थिक तंगी में ना रहें। ये रोजाना प्रार्थना करते हुए उस जल को घर में छिड़काव करना है और ये 11 दिन करना है। मैंने आपको बताया, चाहे आप बिल्कुल 11 दिन पहले शुरू कर लें और दीपावली वाले दिन समाप्ति कर लें, चाहे बाद में समाप्ति कर लें, नो प्रॉब्लम, चाहे दिवाली वाले दिन से शुरू कर लें। पारे की गोली होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए, यदि अभिमंत्रित नहीं है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो ये आप करेंगे तो बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। और यदि पारे की गोली नहीं है आपके पास, पारे के लक्ष्मी जी हैं, पारे के लक्ष्मी गणेश जी भी आते हैं, पारे के लक्ष्मी जी भी आते हैं, वो भी अभिमंत्रित। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं अभिमंत्रित क्या होता है। हम कुछ चीजें लेते हैं, जैसे विष्णु चक्र लिए थे तो वो चक्र समुद्र से निकलते हैं, पारे की गोली भी कारीगर बनाता है, जब वो बना देता है उसका हवन किया जाता है, उसको पाठ पूजा से सिद्ध किया जाता है, बहुत उसके ऊपर हवन पाठ मंत्र जाप होते हैं, तत्पश्चात वो एक अभिमंत्रित वस्तु अपनी वाइब्रेशन छोड़ने लगती है, फिर वो दी जाती है। अब इसका ये कैसे कार्य करती है इसको समझिए। हमने एक लोहे की सलाखें ली, उसके ऊपर हमने एक ट्रांसमीटर लगाया, जैसे हम टावर कहते हैं, जो मोबाइल का सिग्नल पकड़ता है, ऐसे ही हमने पारे की गोली ही ली या मां लक्ष्मी की मूर्ति ली और उसको अभिमंत्रित करना शुरू किया तो उसमें से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगती है। तो जब हम अपने निवास पर रखते हैं तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे निवास में घूमने लगती है। तो आप ये करें, इसका बहुत अधिक प्रभाव है। देखिए, यदि आप पुत्र की इच्छा लिए हुए हैं, यदि आप नई गाड़ी की इच्छा लिए हुए हैं, यदि आप नए घर की इच्छा लिए हुए हैं, यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, यदि पुलिस केस अदालती केस में डूबे हुए हैं, यदि आपका कार्य नहीं चल रहा है, यदि आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हैं, यदि आप बहुत बड़े कलाकार बनना चाहते हैं, यदि आप बहुत नाम कमाना चाहते हैं, किसी भी अवस्था में चाहे आप फॉरेन जाना चाहें, ये वाला प्रयोग आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है, क्योंकि लक्ष्मी सभी रूपों में
निवास करती है, यानी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। तो इसको अवश्य कीजिए, 11 दिन पहले शुरू कर दीजिए। आप समय बता दो, समय कोई भी हो, ये जरूरी नहीं आज 5 बजे किया तो कल भी 5 बजे करना है, नहीं, किसी भी वक्त। हाँ, यदि मासिक धर्म आ जाए तो वह 3 दिन मत कीजिए। यदि मासिक धर्म दिवाली वाले दिन आ गया तो समझ लीजिए परमात्मा नहीं चाहते कि आपका यह उपाय हो, वो खंडित हो गया। यदि मासिक धर्म बीच में आ गए या बाद में आ गए, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी डेट को देख लीजिए, यदि दिवाली के इर्द गिर्द बनती है तो उसके बाद शुरू कीजिए, चाहे दिवाली वाले दिन से शुरू कीजिए और 11 दिन करते रहिए। यदि दिवाली के बाद आने वाले हैं तो पहले शुरू कर लीजिए। ये सब आप एक तरह से मैनेज कीजिए, फिर इसको अच्छे ढंग से कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ होता है, मैं खुद करता हूँ, अपने परिवार को करवाता हूँ, इसको अवश्य किया करें। साधु संतों, ऋषि मुनि और हम में यही अंतर है कि वो खास दिनों में खास चीजें करते हैं जिससे खास शक्तियां उनके पास रहती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वो सब कुछ आप लोगों से करवाऊं, तो आप लोग कीजिए। परंतु ध्यान रखिएगा कि यदि लक्ष्मी माँ की मूर्ति लेनी है तो अभिमंत्रित ही लेनी है, यदि पारे की गोली लेनी है तो अभिमंत्रित ही लेनी है। अब मैं यहाँ आपसे इजाजत चाहूंगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू का मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर